कल रात एक बहुत ही खौफनाक हादसा सामने आया है। हम इस वक्त वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रिपोर्टर शमी रंजन। कल रात जो वीडियोस हमारे सामने आई थी, और कल रात वीडियो में दिखाया जा रहा है कि दो लोगों की हत्या हो गई है। हम इस वक्त वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के मछली मार्केट के पटरी पर है। आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। दो लोगों को चाकू से बारी बारी गोंद कर मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें चाकू से मारकर। अभी हम फ़िलहाल उनके परिवार वालों से बात करने के लिए गए थे, मगर वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कर सके। तमाम वहाँ पे बहुत सारे पुलिस कर्मचारी भी हैं। हमारे कैमरामैन ने विजुअल्स के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखाई है, और यही वो जगह है। आप देख सकते हैं, यही वो जगह पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। हम अब यहाँ के कुछ पड़ोसियों से बात करना चाहेंगे कि आखिर इस घटना के दौरान हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ। सर, कल यहाँ जो मौत की घटना सामने आ रही है, मर्डर की, इसके बारे में क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि दो लड़के आए थे, वो इल्ला को मारने। अब जो जिसको मारने आए वो अपने बचाव में कुछ तो करेगा ही, तो उसने अपना बचाव किया। बता रहे हैं दो लड़कों मर गए हैं। दो लड़के, दोनों लड़कों का नाम वगैरह कुछ पता है आपको? नाम तो नहीं पता है, ये पता है कि आए थे दो लड़के जो है। दो लड़के मारने के लिए आए थे? मारने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपने बचाव में उन्हीं को मार दिया। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी, पुराने दुश्मनी? अब ये तो वो इल्ला ही बता सकता है, या वो लड़के जिसको मारने आए थे। इल्ला वो है जिसको मारने के लिए आए, जिसको मारने के लिए, लेकिन इल्ला नहीं अपने बचाव में उन दोनों को मार दिया। और उन दोनों का घर भी इसी इलाके में है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये नहीं पता। इल्ला जो है, इनका घर कहाँ है? इनका घर उधर ही है, गली में, इसी गली में है। वो आगे गली तो है, उसी में है। अच्छा, वो कभी कहाँ है इल्ला? इल्ला को तो पुलिस ले गई है। अच्छा, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लिया? हाँ, हाजिर हो गया, वो हाजिर हो गया। किसी को मारने आएंगे तो कुछ तो अपने बचाव में तो कुछ तो करेगा ही। तो इनका कहना है कि ये मामला सेल्फ डिफेंस का है, हत्या का नहीं है। जिनकी मौत हुई वो खुद मारने के लिए आए थे उनको, बट उन्होंने अपने बचाव में उन पे हमला किया। तमाम लोगों से बात की, मगर हमें कुछ खास सबूत नहीं मिल पाया। मगर जितने भी लोगों से हमने बात की, मामला ये सामने आ रहा है कि ये जो मर्डर था, जो हत्या हुआ है चाकू भोंककर, ये दरअसल बचाव कार्य में हुआ है। जिनको दो लोग मारने आए थे उन्हीं की मौत हो गई है, जो अपने बचाव के कारण ये चीज़ें हुई हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं शमी रंजन, कैमरामैन नरेश के साथ, झलको दिल्ली। धन्यवाद।